टू द चैनल. आज है 23 तारीख और आज का जो मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है. तो एक दिन पहले है ये दिन, तो आज थोड़ी बहुत मैं प्रिपरेशन करूँगी. तो अभी मैं आपको जो दिखाऊँगी उसमें आप देखोगे कि मैं एक तो न्यूट्रेला क्रोसांट बनाने वाली हूँ और अभी बनाऊँगी केक. तो उसकी आपको रेसिपीज़ दिखाने वाली हूँ. एक दो रेसिपीज़ आप कल देखोगे. कुछ राजमा राइस बनाऊँगी और एक आधी रेसिपी और स्पेशल होगी. तो बट इस लास्ट टाइम क्या था, जो बर्थडे सरप्राइज हमने दिया था मेरे हस्बैंड को, वो सरप्राइज था, मतलब वो घर पे नहीं थे. बट इस बार क्या है, उनकी वेकेशंस चल रही हैं तो वो घर पे ही हैं और इस टाइम भी ही इज़ बिहाइंड द कैमरा. तो इस बार उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, वो खुद ही देख रहे हैं सारा प्रोसेस. मे बी उसमें हेल्प भी उनकी होगी साथ में. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को. सबसे पहले मैं केक की रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि हम केक अभी बेक करेंगे. बेक करके उसको ठंडा करना है, फिर उसके बाद उसकी जो भी डेकोरेशन होगी ठंडा करने के बाद होगी. तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे ठंडा होने के लिए भी लग जाएगा जो फ्रिज में रखा जाएगा केक. तो चलिए लेट्स डू इट. तो मेरे साथ मेरा लिटिल हेल्पर भी आ गया है ये पूरी प्रोसेस में. बिग हेल्पर, ओ सॉरी. बट तो मेरे पास मेरा बिग हेल्पर भी आ गया है. तो अब हम प्रोसेस करेंगे शुरू दोनों मिलके. तो माय बिग हेल्पर वांट्स टू से समथिंग. सो लाइक आई चूज न्यूटेला क्रोसांट बिकॉज़ आई इट वाज ऑन माय बर्थडे एंड पापास अदर बर्थडे. या ऑन पापास लास्ट बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे इवन वी मेड अ क्रोसांट्स, न्यूटेला क्रोसांट्स. तो अर्जुन wants to be wants again the croissants, so that's why we are making. Because that's so yummy. Yeah, those were yummy. So वो भी हम बनाने वाले हैं. I want that again on my birthday too. Okay, you have to say here. I want that again on my birthday. Okay, तो चलिए. 1 cup yogurt, 3/4 cup sugar. 1.5 teaspoon of baking powder, 3/4 teaspoon of baking soda. इन सबको mix कर लेंगे अच्छी तरह. अब हम इसमें डालेंगे 1/2 cup vegetable oil. This is 250 grams of all-purpose flour, मैदा ये जाएगा. Now we will mix it. 3/4 cup of milk डाल रही हूँ इसमें. इसे बेक करेंगे 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे. यहाँ पे मैंने जो केक का बैटर है ना वो सारा तैयार कर लिया, इसमें रेडी हो गया ये. मगर मेरे से क्या गलती हो गई कि मैं जो अपना ओवन है ना वो पीछे ऑन करना भूल गई, तो अब रुकना पड़ेगा. तो अभी मैंने उसको ऑन किया है तो उसमें टाइम लग जाएगा. तो केक हमारा रेडी हो गया है. देखो पसीने भी कितने आ गए, आज बहुत गर्मी भी है. तो हम दोनों ने आज केक का बैटर तैयार किया है. तो बस वेट कर रही हूँ मैं कि हमारा जो ओवन है वो गर्म हो जाए, उस पर हम बेक करेंगे. तो तब तक उसके बाद मैं निकाल के रख रही हूँ जो पेस्ट्री शीट्स है ना उनको थॉ करने के लिए. एक मिनट, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ. तो ये है पेस्ट्री शीट्स, जो इसको इसमें 2 पेस्ट्री शीट्स हैं पफ पेस्ट्री. इसको मेरे को थॉ करना था. थॉ करने के लिए भी आप एक मिनट बेटा, तो थॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, रात को आप इसको एक शीट जो भी आपको यूज करनी है उसको फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख दो. तो वो भी मैंने किया नहीं. तो अभी मैं एक शीट रखूंगी बाहर, थोड़ी देर तक वो थॉ हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्रोसांट्स भी बनानी है. अभी केक मैंने रखा है बेक होने के लिए. तो केक बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया क्योंकि ना जब शूटिंग के साथ कोई चीज़ करते हैं ना बनाते हैं तो बहुत टाइम ले लेता है. अदरवाइज वो बहुत इजीली बन जाता है केक बहुत जल्दी से. तो ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और भूख लगी है बहुत ज़ोर की. दाल मेरी कल की पड़ी है ये. तो अब मैं यहाँ पर ये देखो चावल बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी. ये मैंने धो लिए हैं. तो यार आपको ना अभी काफ़ी पीछे से बैकग्राउंड साउंड भी आ रही होगी. तो बहुत गर्मी हो रखी है इसीलिए आज हमने ना एसी चलाया हुआ है. मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखो वहाँ पे एसी चला हुआ है और वहाँ बैठे हैं प्रदीप. मैं आप सबको ना बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ. ये हमारा छोटा सा पैटियो गार्डन है, किचन गार्डन. और
और देखो क्लाउड्स की आवाज आ रही होगी आपको, बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है। ओके यार ये बेजिल नु क्या हो गया, ये तो अजीब जी हो गई है, खराब जिसना। देखो इन्नी खिली खिली सी, पानी तो नहीं ज्यादा पै गया था, मुरझान लग गई। पता नहीं मेरी बेजिल क्या हो गया है ना यार, मेरी बेजिल बहुत अच्छी थी और देखना कैसे खराब सी हो रखी है ये। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे अर्जुन देख रहा है अपने गेम खेल रहा है। ओके और यहाँ पे मूवी, यहाँ पे मूवी देखी जा रही है। चल आपका बर्थडे, आप कुछ कहना चाहते हो? आज बर्थडे ईव है, आज बर्थडे ईव है। तो मुझे कहा कि कहते मुझे मत काम पे लगा लेना अगर मेरी छुट्टी है मेरे बर्थडे के काम पे। आज बर्थडे ईव है, आज आज बर्थडे ईव है, इसलिए मतलब कल लगवा सकते हैं? कल बर्थडे है, कल भी नहीं लगा सकते, परसों परसों हो सकता है, परसों हो सकता है। चलो वैसे तो मैं आज भी लगा हुआ हूँ। हाँ वैसे आज भी लगे हुए हैं। हाँ यहाँ पे 35 मिनट्स लगे हैं और केक बेक हो गया है। परसों हमने अमेजोन से ना केक डेकोरेशन की किट ऑर्डर की थी, ये आ गई है। कल की यहाँ पे ही पड़ी थी, कोरोना के कारण आपको पता है मैंने खोली नहीं थी, मगर अब मैं इसे खोलने जा रही हूँ। अमेजोन प्राइम से ऑर्डर की थी तो एक दिन में ही आ गई थी, एक ही दिन लगा था इसको आने में, खोल के देख के फिर इसको अभी साफ भी करना है क्योंकि कल मुझे केक डेकोरेट करना है ना, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत है। ये इसके कितने पीस थे पता नहीं, 73 पीसेस वाली है ये। अच्छा एक तो ये मोल्ड्स हैं सिलिकॉन के जिसमें आप चॉकलेट्स बना सकते हो, और यहाँ पे है ये टर्न टेबल है, ये हल्का सा ही है बहुत यार, टर्न टेबल है और ये तो मुड़ा हुआ है, बिल्कुल दबा हुआ है नहीं ऐसे लग रहा है, ये टर्न टेबल है। ये है ये बैग्स व्हिपिंग क्रीम और मतलब वो डेकोरेशन के लिए, इसकी वैसे मुझे अभी जरूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी है ये। बेसिकली मुझे इस चीज की जरूरत थी कि केक काटने के लिए, ये भी बहुत अच्छा नहीं है, इससे अच्छे काफी आती हैं, तो ये है हल्का सा ये। और ये व्हिपिंग क्रीम को स्मूथ करने के लिए, और है इसके इसके पाउच के अंदर सब कुछ, ये छोटी सी सीजर है, ये भी कुछ अगर बीच में भरने के लिए कुछ कोई भी जेली या कुछ किसी चीज के अंदर भरने के लिए। ये इन्होंने तीन भेजी है, ये रशियन जो स्टाइल की ये होती है ना नोजल्स, बहुत फेमस हो रही है वो है, और इनकी मुझे जरूरत थी डेकोरेशन के लिए। मुझे ना तीन चीजों की जरूरत थी, एक तो टर्न टेबल की, टर्न टेबल के बिना भी वैसे काम चल जाता है, इसकी मुझे खास जरूरत नहीं थी, मगर इनकी चाहिए थी, ये चाहिए थे, और एक कटिंग के लिए चाहिए था, केक कटिंग के लिए, और एक ये स्मूथ करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं या फिर डिजाइन बनाने के लिए, तो ये चाहिए थे। और इसको सेलोफेन में फोल्ड कर दिया है और अब ये फ्रिज में जाने वाला है।
ये मैं 3 कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। यहाँ पे हमने शुगर डाली है 6 टेबलस्पून, वो भी फाइन जो पाउडर शुगर है वो। अब हम इसे विस्क करेंगे। ये देखिए इसके पीक्स बन गए हैं। स्लाइस्ड पाइनएप्पल है, ये कैंड पाइनएप्पल है। आज मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ तो हम इसको डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने कैंड पाइनएप्पल ले लिया, इसको हम काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो ये है जूस पाइनएप्पल का, ये हम इससे केक को मॉइस्ट करेंगे। आज है बर्थडे प्रदीप का, 24th जून, और अभी तक क्या हो चुका है मैं वो आपको दिखाने लगी हूँ। क्या क्या किया है, कोई खास काम नहीं किया, काफी सारी चीजें आज ड्रॉप भी कर रही हूँ अब मैं कि नहीं बना पाऊंगी, तो वो पहले दिखाती हूँ। यहाँ पे राजमा का मसाला बन रहा है, नीचे लगने लग गया प्याज, मतलब पक गए हैं। और यहाँ पे मैंने बॉइल करके रखे हुए राजमा, और ये टमाटर भी इसका मसाले का सब रेडी है। इसके अलावा यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्रोसांस जो है वो बना के रखे हुए हैं। ये दो न्यूटेला क्रोसांस है। Sorry, I have hiccups. हमारे असिस्टेंट को हिकअप्स आ रहे हैं, जूनियर शेफ को हिकअप्स आ रहे हैं, और वो बिजी थे अपने प्लेइंग में। ये हो गया। इसके अलावा ये है केक, फ्रिज में पड़ा है, चिल्ड हो रहा है। फर्स्ट लेयर इसकी बन गई है, इसको अब सेकंड लेयर मैं देने वाली हूँ, फाइनलाइज करूंगी। बस अभी तक यही सब हुआ है और कुछ नहीं किया, सुबह से कोई काम नहीं किया। सोचा था बहुत कुछ बनाऊंगी और कुछ नहीं खास बनाया इस बार। नॉर्मली मैं हर बार थोड़ा बहुत बना लेती हूँ ढंग से, तो बस ये इस बार कुछ नहीं किया मैंने खास। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 4:30 हो गए हैं सुबह के काम करते करते, अभी तक सारा कुछ खत्म नहीं हुआ। सब्जियां बन गई हैं, वो बन गई है, क्या कहते हैं, मंचूरियन बना लिया है मैंने, और एक सब्जी जो पनीर की सब्जी मेरे हस्बैंड ने खुद तैयार की है, राजमा बनाए हैं हमने, राइस हो गए हैं तैयार। ओके, तो वो बन गए। और यहाँ पे अब क्रोसांट्स के लिए मैंने 375 डिग्री पे अपना ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया है। So the ovens key ready, right? और यहाँ पे मैं उनको जैसे एग वॉश, हाँ जैसे एग वॉश देते हैं ना, तो वहाँ यहाँ पे मैं शुगर और दूध को मिला के इस पे डाल रही हूँ कि इससे ये इस पे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इन क्रोसांट्स पे। तो ये हो गया, बस ये जाएंगे ओवन में 12 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। और अभी जो है ना हलवा तैयार करना है, हलवा नहीं मतलब कड़ाह प्रसाद, क्योंकि बर्थडे के दिन ये जरूरी है कि एक परमात्मा को भगवान को भी भोग लगना चाहिए, तो बस वो बनाना है और सब कुछ रेडी है। केक का थोड़ा सा काम है, वो तो मैं भूल ही गई थी, केक का भी थोड़ा सा काम है, तो वो भी बस अब फाइनलाइज कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए मंचूरियन बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, और अब मैं यहाँ पे वड़े बना के रख रही हूँ। अभी बर्थडे को कुछ दिन हैं तो हम पहले ही बना के रख रहे हैं सब कुछ। यहाँ पे हम बना रहे हैं दही वड़े। प्रदीप घर पहुँचने वाले हैं, हो सकता है उनको पता ही चल जाए। प्रदीप ना वो काम से आ रहे थे, जबरदस्ती कहा कि जाके मैंगो ले आओ आप आते वक्त ही, तो वहाँ भेजा है, मगर वो बस आने वाले हैं, 5 मिनट होंगे। तो मुझे है कि जो मैंने मंचूरियन की बॉल्स बनाई हैं एटलीस्ट वो किसी तरह मैं छुपा लूँ, अगर ये उनको देख भी गए तो ठीक है, बस मंचूरियन बॉल्स ना उनको पता चले। So,
What do you say? Why on my other birthday I got some stuff? That time you were just 4 years old, that's why. But this time only Papa. This time you are five years old. Everything. So what? It's Papa's birthday. Okay, only Nutella croissants, not anything else? I want also kidney beans. Kidney beans also? But why you are crying? You know it's Papa's day. Then why you are crying? Okay, we will share everything. Okay, we will share. Just joking. We are just... We were just kidding, man. Now smile. Smile here. बेटा मेन्यू भी थोड़े हिसाब से सारा सारा रेडी किया है. इवन जो तुसी बोले है ना बर्थडे पापा का है वो सब बनाया मैं. क्रोसांस क्या किडनी बीन्स क्या. एंड यू स्टिल क्राइंग. क्रोसांस हैं वो रेडी हो गए हैं. बस अब हम इनको ठंडा होने पे प्लेट करेंगे. एंड स्मेल्स गुड टू यू. या इट स्मेल्स गुड. और सारी चीजें हो गई हैं. बस आखिरी प्रसाद जो जरूरी बनाना है वो रहता है. तो वो अब मैं बनाने लगी हूँ. इस बार मैं नॉर्मली मैं हमेशा सूजी का प्रसाद बनाती हूँ. तो आज आटे का फॉर अ चेंज प्रसाद बना रहे हैं. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप आटा. तो सेम क्वांटिटी मैंने शुगर की ली है और सेम क्वांटिटी आपने देसी घी की लेनी है. इकट्ठा हो रहा है. जैसे इकट्ठा शुरू हो जाए ना होना तो मतलब हमारा जो प्रसाद है हलवा है आटे का वो बन जाए. जो हमारा हलवा है वो रेडी हो गया है. आप देख सकते हो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ये आज बनाया है. तो आप ये मत सोचना कि इतना कम क्यों बनाया, क्योंकि एक तो हम तीन जन है घर में, खाने वाले सिर्फ दो ही हैं और इजी रेसिपी. अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमने फाइनली क्या बनाया आज. यहाँ पे तो कोई चेरी खा रहा है. चेरी एज ए फ्रूट हमने रखा हुआ था. ये क्रोसांस फाइनल थिंग जो केक. ये है केक हमारा स्पेशल. मंचूरियन ये है स्पेशल. पनीर की सब्जी आज ये बहुत स्पेशल है क्योंकि बनाने वाले मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने बनाई है पनीर की सब्जी. और यहाँ है राइस एंड राजमा, आप देख सकते हो. इसके अलावा प्रसाद भी मैंने बनाया था, वो अभी मैंने हमने प्रेयर की है वहाँ पे ही पड़ा है प्रेयर के वहाँ पे. तो ये सब अब बनाया आज. मैंने दो चीज़ें और सोचा था कि बनाऊंगी मगर फेल हो गई एक तरह से. ये कह रहा था कुछ तो वो नहीं बना पाई, पर जो है सो है. तो जल्दी से केक कटिंग कर लेते हैं, ऑलरेडी 6 बजने वाले हैं. तो लेट्स डू इट. यहाँ पे देखो किसी को इतनी जल्दी पड़ी हुई है ना. अभी हम प्रेयर कर रहे थे कि प्रेयर करके फिर खाएंगे, वो उससे पहले उठा उठा के खाना शुरू कि नहीं मुझे क्रोसांट दे दो क्रोसांट दे दो. वो देख लो बीच में ही लगा हुआ है खाने. टिड्डी टिड्डी इत्थे प्लेट प्लेट में खा लो ना. ये क्या करने लगी हुए हो. दिस इज द बिगेस्ट वन एवर. व्हाट नथिंग विल ट्रस्ट. हिम्मत नहीं कि वो वेट करे. तो अब हम सारे लग रहे हैं. वो एसेंस पाने है ना बीच.
मैं पाइनएप्पल जूस पाया, मैं फ्रॉस्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत लाइट, लास्ट टाइम बटर वाली सी बहुत हैवी सी और बहुत स्वीट सी, सब कुछ ठंडा हो गया यार, गर्म करना पड़ेगा। अच्छा राजमा रख दिए ना, मंचूरियन, पनीर। मैंने सोचा था यार तैयार होंगी मगर कुछ नहीं टाइम लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अब मैं हम यहाँ पे वीडियो खत्म कर रहे हैं, तो हम सारे आप सबको बाय कहने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड यू कैन राइट इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग, बट इफ यू वांट टू टेस्ट इट देन यू विल हैव टू मेक इट। या ओके, तो बस टेस्ट करेंगे अच्छी तरह, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। Hi. Wait, I mean, so wanting this yummy for it? Yeah, he's eating strawberry, not strawberries, cherries.